Hello students, welcome back. Today we are going to start with the new chapter, that is locomotion and movement. So students, locomotion and movement वाले chapter के अंदर हम basically ये पढ़ने वाले हैं कि हम चल कैसे पाते हैं, या फिर कोई भी हमारी आर्म की मूवमेंट है, आईज की मूवमेंट है, किसी भी टाइप के जो हमारी बॉडी में मूवमेंट है वो कैसे कर पाते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर को इसी perspective से पढ़ना है. That we are understanding and we are trying to learn the movements. So, first of all, locomotion is the voluntary movements that are resulting in change in location. कि देखो, अगर कोई बंदा A point पे बैठा है, A point से वो B point में जा रहा है, वो अपनी location change कर रहा है, वो अपनी position change कर रहा है, तो this thing is known as locomotion. All locomotions are movements, but all the movements are not locomotion. So students, locomotion का मतलब basically होता है चलना. ठीक है, चलना या अपनी position को change करना. अब जैसे अगर मैं चल रही हूँ या मैं भाग रही हूँ, ठीक है, तो that is a kind of movement, but हर type की movement locomotion नहीं होती. जैसे कि मैं हाथ हिला रही हूँ, तो that is a movement, but that is not locomotion. तो plants है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी leaves हिल रही है. That is also a movement, but basically that is also not locomotion. So ये हमारी definition है that all the locomotions are movement, but all the movements are not locomotion. Now, students, the next thing is what is locomotion? Locomotion and movement are interlinked. For example, in paramecium, cilia help in movement of food through cytopharynx and in locomotion. पैरामीशियम और अमीबा है, हाइड्रा है, ये सारे क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ये फ्लैजिला या सीलिया, सीलिया की हेल्प से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये सेल है, एक हमारे पास सेल है, दिस इज द सेल ऑफ द पैरामीशियम. पैरामीशियम के सेल के अराउंड क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग स्मॉल साइटोस्केलेटन एक्सटेंशन बेसिकली, एंड दीज आर नोन एज सीलिया. और सीलिया क्या करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं. और हाइड्रा, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स आप हाइड्रा देख सकते हो. हाइड्रा हैज टेंटिकल्स एंड दीज टेंटिकल्स हेल्प इन लोकोमोशन. दे आल्सो हेल्प टू कैप्चर प्रे एंड आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. लिम्स क्या होते हैं, हमारे लिम्स होते हैं आर्म्स एज वेल एज लेग्स. तो टेट्रापॉड्स के अंदर क्या होते हैं, लिम्स काम करते हैं मूवमेंट के लिए. जैसे कि काओ है, एलिफेंट है, बफलो है, ये क्या करते हैं, ये चारों पैरों पे चलते हैं. तो इनके जो लिम्स हैं, आर्म्स एज वेल एज लेग्स, दोनों ही लोकोमोशन का काम कर रहे हैं. बट इन अवर केस लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के केस में हम लेग्स के थ्रू ही मूव करते हैं. सो दिस इज बेसिकली लोकोमोशन. आई होप द लोकोमोशन टॉपिक इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड see the types of movement that are found in human. Students, अब देखो ये types of movement in human है, तो हम, मैं सिर्फ चलने की बात नहीं करूंगी. हम, हमारी जो body है वो बहुत सारे types of cells की बनी हुई है. उसमें हमारे क्या है, बहुत सारे blood cells भी हैं, बहुत सारे skin cells भी हैं, other organs के cells भी हैं. तो ये क्या करते हैं, ये किसी ना किसी वे में मूव होते रहते हैं. मूव होते हैं तो वही क्या होता है, लाइफ होती है. ठीक है, बेसिकली चलती का नाम जिंदगी. सो अमीबा मूवमेंट इज वन काइंड ऑफ मूवमेंट जो सूडोपोडिया की हेल्प से होती है. बाय सूडोपोडिया फॉर्मिंग बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर हमारा लिक्विड मटीरियल होता है बेसिकली. वो क्या करता है, वो स्ट्रीम करता है, वो मूव करता है. तो इससे क्या होते हैं हमारे साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, सेल्स के जो स्ट्रक्चर है. देखो ये हमारा सेल है, दिस इज द सेल एंड दिस इज अ फ्लेक्सिबल सेल. इसके अंदर अगर प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स मूव करेगा तो वो क्या करेगा, सेल की शेप में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. वही जो चेंजेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या करते हैं हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो हमारे कई सेल्स होते हैं, दीज आर द मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स. ये हमारे WBCs बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हाइट कलर के सेल्स.
मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट दे मूव विद द हेल्प ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट. वो अमीबॉइड मूवमेंट की हेल्प से मूव करते हैं, जैसे कि अपनी सेल मेम्ब्रेन की शेप चेंज करके वो मूव करते हैं. नेक्स्ट मूवमेंट इज बाय सीलिया. हमारे कई सेल्स के अंदर जैसे कि ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है स्टूडेंट्स, विंड पाइप होती है. विंड पाइप के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें सीलिया लगे होते हैं. और जैसे हम खाना खाते हैं या फिर हम जैसे विंड को इनहेल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज को, फॉरेन सब्सटेंस को वो रिमूव करने में, पुश करने में वो हेल्प करते हैं. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज सीलियरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया. नेक्स्ट इज ओविडक्ट फॉर द पैसेज ऑफ ओवा. ओविडक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स हमारी जो ओवरी है फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट के थ्रू जो ओवरी में से ओवा निकलता है और यूटेरस तक पहुंचता है. वो भी जो सारी डक्ट होती है ना, दैट इज कवर्ड विद सीलिया. एंड वो भी क्या करती है, मूवमेंट ऑफ ओवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट ऑफ ओवा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इज द मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट मीन्स की मूवमेंट इन द मसल्स. जो हमारे मसल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल टंग, जॉ एक्सेट्रा, हैंड्स हो गया, लेग्स हो गई, इन सब में मसल्स लगी हुई है. मसल्स क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं. सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन. नेक्स्ट थिंग अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबॉइड मूवमेंट को डिटेल में देखें तो ये है हमारा WBC या कोई भी सेल लगा लो. जैसे इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक डायरेक्शन में जा रहा है और वो इस सेल को, सेल की शेप को एक्सटेंड कर रहा है आगे वाली साइड. जिस साइड को साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म मूव करेगा उस साइड को क्या होएगी, सेल की मूवमेंट होएगी. एंड दिस इन दिस वे अमीबॉइड मूवमेंट जो होती है दैट इज एबल टू टेक प्लेस. In this way, amoeboid movement happens. Next is ciliary movement. अब diagram में देखो, ये हमारी क्या है? Fallopian tube है, oviduct है. अब ova आ गई हमारी ovary से निकल के oviduct के अंदर. Oviduct के अंदर ये जो cells है students, these are the basically cells. Cell के बाहर cilia लगे हुए हैं और cilia क्या करते हैं? Movement में help करते हैं. Inner lining of the trachea. Trachea की जो inside वाली lining होती है students, उसमें भी क्या होते हैं, ये वाले सीलिया. ये देखो ये सारे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सीलिया है जो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. एग्जाम्पल सीलिया एंड ट्रैकिया टू रिमूव द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड ओविडक्ट्स फॉर द पैसेज ऑफ ओवा. सो बेसिकली दिस इज द थिंग. आई होप आपको तीनों टाइप की मूवमेंट जो है वो क्लियर होगी होगी. नाउ नेक्स्ट इज द मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट स्टूडेंट्स मसल्स के थ्रू होती है. अब हमने लोकोमोशन वाले चैप्टर में मस्कुलर मूवमेंट को ही डिटेल में पढ़ना है. मस्कुलर मूवमेंट की एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ जॉ एक्सेट्रा. ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट के अंदर हमें यही पढ़ना है मसल्स का मूवमेंट. पर मसल्स का मूवमेंट समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मसल्स को अच्छे से समझना पड़ेगा. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मूवमेंट ऑफ मसल्स. उससे पहले हमारा एक छोटा सा ये फ्लैजुलर मूवमेंट वाला टॉपिक है कि स्पर्म्स हैं. ह्यूमंस के अंदर ओनली द स्पर्म सेल इज द सेल दैट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैजुला. स्पर्म के अंदर एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है एंड देयर इज अ टेल. टेल इज अ बेसिकली फ्लैजुला. स्पर्म मेल की बॉडी में एज वेल एज फीमेल की बॉडी में कैसे सर्वाइव करता है, कैसे ट्रेवल करता है, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला. सो फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ द वॉटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स. Now let us go to our main topic that is human muscular system. So students, human muscular system में क्या होगा? Human muscular system में of course जो है हमारी सारी muscles present है. It includes muscles which are mesodermal in origin. जो muscles हैं हमारी, जो पूरी body है, पूरी body के organ endoderm के बने हो सकते हैं, ectoderm या मेसोडर्म. ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन जो है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, हमारी इंटेस्टाइन जो है दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन एंड हमारे मसल्स जो है दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. तो
ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन्स होते हैं स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर दैट. तो अगर क्वेश्चन आ गया आपको मसल्स का ओरिजिन क्या है, यू हैव टू राइट दैट मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. मसल कॉन्स्टिट्यूट 40-50% ऑफ द बॉडी वेट. जो हमारी बॉडी का 40-50% वेट है वो होता है मसल्स की वजह से. जो भी हम खाते पीते हैं वो क्या करती है, मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है एंड अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है. हमें पता है कि जो बंदा स्ट्रांग है उसके पास स्ट्रांग मसल्स है. सो मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. स्टूडेंट्स अब मसल्स के पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट हो जाना, एकदम से काम करना, एकदम से एक्शन करना, दिस इज एक्साइटेबिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब साइज में छोटा हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, बेसिकली श्रिंक हो जाना. एंड एक्सटेंसिबिलिटी मतलब लेंथ में इंक्रीज हो जाना, खींचे जाना, ठीक है. एक्सटेंसिबिलिटी रिलैक्सेशन, अपनी नॉर्मल लेंथ से ज्यादा हम बड़े हो सकते हैं. एंड इलास्टिसिटी, स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी कि कोई भी चीज है उसको हम जितना मर्जी खींचो या बंद करो लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शेप में अपने आप आ जाती है. तो ये प्रॉपर्टी है मसल्स की, हमारे मसल्स की यही प्रॉपर्टी होती है. सो लोकेशन के बेस पे हमारी जो मसल्स हैं बेसिकली वो थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज द स्केलेटल मसल, नेक्स्ट वन इज द स्मूथ मसल्स एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल. स्केलेटल मसल्स वो वाली मसल्स होती है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल बोन्स, बोन्स से जो भी मसल्स हमारी अटैच होती है दे आर द स्केलेटल मसल्स. स्मूथ मसल्स वो है जो क्या है हमारे विजरल सिस्टम से, जैसे कि नॉन वॉलेंट्री ऑर्गन्स, जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्टमक है, किडनीज है, इनमें जो भी मसल्स अटैच है दे आर द स्टमक एंड किडनीज. इनमें जो भी मसल अटैच है दे आर द स्मूथ मसल्स. कार्डियक मसल्स आर द हार्ट मसल्स, हार्ट जिसका बना है वो मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स. सो स्टूडेंट्स दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स. तो लेट अस फर्स्ट रीड अबाउट द स्केलेटल मसल्स और ह्यूमन फर्स्ट काइंड ऑफ मसल्स दैट आर फाउंड इन द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम. इन मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है. यू हैव टू रिमेम्बर स्केलेटल मसल, स्ट्रिएटेड मसल एज वेल एज वॉलेंट्री मसल. जो वॉलेंट्री वर्ड है, voluntary word that is used for the skeletal muscles, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी will के according move कर सकते हैं. जो voluntary muscles होती हैं वो इस type की muscles होती हैं जो हमारी इच्छा के according चलती हैं, जैसे कि हमारी tongue muscles हो गई, हमारी hand muscles, feet muscle, leg muscle, ये सब, ठीक है. ये क्या होते हैं, skeleton से attached होती है. skeleton students, what is skeleton? skeleton is our bony system, yes. Striations are present. Striations का मतलब ये देखो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम. डायग्राम के अंदर आपको striations दिखेंगी. Striations का मतलब stripes. जैसी stripes students आप zebra के अंदर देखते हो वैसी ही striations आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. The light band as well as the dark band. पहले light band आ रहा है, फिर dark band आ रहा है, पहले light band, फिर dark band. So in this way these things are working. ये voluntary muscles है, हमारी will के according काम करती हैं. They have a rich blood supply. Blood supply इनके पास पूरा पूरा है, बहुत ब्लड सप्लाई है, इनफ ब्लड सप्लाई है. ये मसल्स थक जाती हैं. इनके पास मल्टी न्यूक्लियर मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल. एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल्स है उनको क्या जरूरत है, ज्यादा मूवमेंट की जरूरत है इसलिए.
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे स्केलेटल मसल्स के या स्ट्रिएटेड मसल्स के। नेक्स्ट काइंड ऑफ मसल्स आर स्मूथ मसल्स। स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स आर द इनवॉलेंट्री मसल्स। दे आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। इनमें स्ट्रिएशंस नहीं होती हैं। देयर आर नो स्ट्राइप्स प्रेजेंट। देयर अपीयरेंस इज स्मूथ। ये वॉलेंट्री है। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मैं अपने स्टमक में चल रही डाइजेशन को रोक दूंगी, नहीं पॉसिबल है, इनवॉलेंट्री। ब्लड सप्लाई इज पुअर। ब्लड सप्लाई जो है वो पुअर है, इतना ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता इन कंपैरिजन टू द स्केलेटल मसल। ये मसल्स कभी भी थकती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि स्टमक डाइजेस्ट करते करते थक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यूनिन्यूक्लियेट, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनमें स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली एनर्जी भी कम चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो सारे जो पॉइंट्स हैं स्केलेटल के ऑपोजिट हैं, तो यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल एंड द स्मूथ मसल्स। सो यू हैव टू राइट आउट द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स। देखो ये सिर्फ हार्ट के अंदर मिलती हैं। जो भी हार्ट के अंदर मसल्स हैं, जितनी भी मसल्स हैं, दे आर द कार्डियक मसल्स। इनमें क्या होती है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। इनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है, मतलब स्केलेटन में क्या थी, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट थी। स्मूथ में स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट थी, और कार्डियक में भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है। ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री है, हम नहीं कंट्रोल कर सके। और हार्ट को बीट होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसके पास पूरा 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 ब्लड सप्लाई है। हर काइंड का ब्लड सप्लाई इसके पास है। और हार्ट की भी जो मसल्स है वो कभी भी थकती नहीं है। नॉन फैटिक मतलब कभी भी थकती नहीं है। दीज आर यूनिन्यूक्लियेट। कार्डियक मसल्स के भी जो सेल होते हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें भी ज्यादा होते हैं, सेम एज स्केलेटल मसल, क्योंकि हार्ट को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। नाउ यू कैन सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल मसल, द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल। इस डिफरेंस को आप देख लो और इसके अकॉर्डिंग आप सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हो। You can revise up the difference, जो भी हमने difference किया है, skeletal के अंदर, smooth के अंदर, cardiac के अंदर, same difference पड़ा है। So, now let us go further to our next topic, that is the structure of the skeletal striated muscles, skeletal muscle या striated muscle. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स इनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। देखो स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मेनी बंडल्स दैट इज नोन एज फैसिकल्स। ये देखो ये हमारी एक मसल है, एक मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फैसिकल। तो ये हमारा एक फैसिकल है। फैसिकल आर कनेक्टेड टूगेदर विद द हेल्प ऑफ कोलेजिनस टिश्यू। कोलेजिनस टिश्यू बोल सकते हो आप, गम बोल सकते हो, दैट इज फेशिया। ईच फेसिकल कंटेन्स मेनी मसल फाइबर्स। एक फेशिया के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर्स प्रेजेंट। एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको आपस में जोड़ के कौन रखता है, फेशिया। यस, नेक्स्ट इज मसल फाइबर्स आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मसल फाइबर्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं, और सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है। सपोज करो वी हैव दिस सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अगर ये मसल सेल है तो इसके सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या हो जाएगा, सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसका साइटोप्लाज्म का नाम छोड़ के क्या हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सार्कोलेमा एंड व्हाट इज सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट इज ईच मसल फाइबर कंटेन्स पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल।
फेशिया के अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स. मसल फाइबर्स बहुत सारे अरेंज्ड होते हैं पैरेललली, एंड इनको मायोफिलामेंट्स बोला जाता है. मसल फाइबर्स को मायोफिलामेंट्स भी बोला जाता है. तो स्टूडेंट्स, जो स्केलेटल मसल है उसका नाम क्या होता है, स्ट्रिएटेड मसल. तो स्ट्रिएटेड मसल के पास एक डार्क बैंड होता है और एक लाइट बैंड होता है. डार्क बैंड का नाम, स्टूडेंट्स देखो, अल्टरनेट डार्क, डार्क बैंड का नाम एन आइसोट्रॉपिक और ए बैंड है. ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम. अगर आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक बैंड, व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक बैंड, व्हाट इज आई बैंड, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू हैव टू रिमेम्बर, कंफ्यूज नहीं होना, ये डार्क और लाइट बैंड के ही साइंटिफिक नेम्स हैं. तो देखो, डार्क बैंड का नाम है एन आइसोट्रॉपिक बैंड एंड लाइट बैंड का नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फाइबरस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट. स्टूडेंट्स, हमारी मसल के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर एक एक्टिन फिलामेंट होती है, एक्टिन प्रोटीन होता है और दूसरा मायोसिन प्रोटीन होता है. वन प्रोटीन इज द एक्टिन प्रोटीन, नेक्स्ट प्रोटीन इज द मायोसिन प्रोटीन. और ये एक्टिन एंड मायोसिन की कॉम्पोजिशन की वजह से ही हमारी जो मसल होती है वो क्या होती है, स्ट्रिएटेड मसल होती है, डार्क एंड लाइट मसल होती है. तो देखो, आई बैंड के अंदर, आई बैंड का मतलब है लाइट बैंड, लाइट बैंड के अंदर ओनली एक्टिन इज प्रेजेंट. ए बैंड की फुल फॉर्म क्या है, एनआइसोट्रॉपिक बैंड, उसमें एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है. अब लाइट बैंड के अंदर ओनली एक्टिन प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है दैट एक्टिन इज द थिन फिलामेंट, थिन प्रोटीन. मसल फाइबर के अंदर, मसल फिलामेंट के अंदर जो लाइट वाला थिन वाला प्रोटीन है उसका नाम है एक्टिन प्रोटीन. थिक वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है मायोसिन प्रोटीन. आई बैंड के अंदर ओनली एक्टिन प्रेजेंट है, ए बैंड के अंदर एक्टिन एज वेल एज मायोसिन दोनों प्रेजेंट है. दे आर अरेंज्ड पैरेलली टू ईच अदर, दे आर अरेंज्ड पैरेलली. एक्टिन और मायोसिन क्या है, पैरेलली लगे हैं. जैसे ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो, दिस इज द एक्टिन, दिस इज द मायोसिन, दिस इज द एक्टिन, दिस इज द मायोसिन. ब्लू वाला क्या है, एक्टिन है. जो ब्राउन कलर का है दैट इज मायोसिन. ठीक है, दिस इज द मायोसिन. और ये कैसे अरेंज है एक दूसरे के साथ, दे आर अरेंज इन अ पैरेलल मैनर, पैरेलल डायरेक्शन में 180 डिग्री से वो अरेंज है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स, ए बैंड बियर्स अ लाइटर मिडल रीजन कॉल्ड एच बैंड. ए बैंड मतलब डार्क बैंड. डार्क बैंड जो है उसके अंदर ये वाला देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्टिन प्रेजेंट है, ओनली एक्टिन, नो मायोसिन. इस डायग्राम के अंदर आपको जूम करके दिखाती हूं. दिस थिंग इज द लाइट बैंड, दिस थिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एक्टिन एज वेल एज मायोसिन, दिस थिंग इज द डार्क बैंड. ठीक है, ये डार्क बैंड है, यहां से लेके ब्लैक कलर से डिनोट कर रही हूं इसको मैं, यहां से लेके यहां तक हमारा सारा क्या है, डार्क बैंड. एंड डार्क बैंड के मिडल में क्या होती है, एक एच जोन प्रेजेंट होती है. एच जोन में सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, इसीलिए उसको एच जोन कहते हैं, ये एच जोन. एंड एच जोन के अंदर डार्क पॉइंट होता है, इसको ये डार्क पॉइंट जब पैरेलली बनता है तो एक डार्क स्ट्रिएशन मतलब डार्क सी इंप्रेशन छोड़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन, एम लाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एच जोन, व्हाट इज एम लाइन. ठीक है, तो एच जोन क्या है, एच जोन इज द जोन बिटवीन द डार्क बैंड जिसमें सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एंड एम लाइन क्या होती है, एच जोन के बिटवीन एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं एम लाइन. इट इज प्रेजेंट डार्क स्टेन की तरह वो प्रेजेंट होती है. अब देखो स्टूडेंट्स, ये आई बैंड है, यहां से लेके यहां तक हमारा सारा क्या आ रहा है, आई बैंड आ रहा है, क्योंकि यहां पे भी ओनली एक्टिन है, यहां पे भी ओनली एक्टिन है. लेकिन स्टूडेंट्स ये फर्स्ट
ये पहली वाली मसल है एंड यहाँ पे दूसरी वाली मसल शुरू हो गई एंड फर्दर यहाँ पे तीसरी वाली मसल शुरू हो जाएगी। तो ये वाली जो दो दो मसल फाइबर्स के एक्टिन प्रोटीन्स को आपस में जोड़ रही है, इस लाइन को बोला जाता है जेड लाइन। दिस लाइन इज नोन एज जेड लाइन। ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोला जाता है? जेड लाइन। एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक, यहां से लेके एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक क्या बनता है हमारा? एक सार्कोमियर। सार्कोमियर का मतलब एक मसल का जो सेल होता है वो जेड लाइन से लेके जेड लाइन तक होता है। तो एक मसल सेल के अंदर क्या होता है? दिस इज द आई बैंड एंड दिस इज द डार्क बैंड, ए बैंड। डार्क बैंड के अंदर एच जोन प्रेजेंट होता है और एच जोन के भी मिडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो एक्टिन है इसको हम जूम करके पढ़ने वाले हैं। दिस इज एक्टिन एंड दिस इज मायोसिन। हम देखेंगे कि एक्टिन एंड मायोसिन फर्दर किस चीज के बने हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी मसल काम कैसे करती है जिसकी वजह से हम अलग अलग एक्शंस कर पाते हैं, अलग अलग पोस्चर्स बना पाते हैं, अलग अलग टाइप से मूवमेंट्स कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।